नमस्कार। आज हमारा जो प्रैक्टिकल हमने डिस्प्ले करना है या आपको डेमोंस्ट्रेट करना है वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स स्टार्ट करने से पहले, जिससे हम जानते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में, ये तीन टाइप के होते हैं। पहला सिंप्लेक्स होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स होता है और तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है। पहला जो हाफ डुप्लेक्स है, जो हमको यहाँ पर जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं, उसके पहले जैसे मैं कह के सिंप्लेक्स में बताना चाहता हूँ आपको, तो हम सिंप्लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे सिंप्लेक्स में हमारा जो डेटा है वो वन डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आप जानते हो कि कम्युनिकेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमिट करना डेटा और रिसीवर का काम है डेटा रिसीव करना। कुछ कुछ जगह पे ये फैसिलिटी रहती है कि डेटा जो ट्रांसमीटर होता है वो डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और उसके पास रिसीविंग कैपेबिलिटी भी होती है, और उसी तरीके से रिसीवर के पास में रिसीविंग करने की कैपेबिलिटी और ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। ये हमारे को हाफ डुप्लेक्स में काम आएंगे। लेकिन सिंप्लेक्स की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो ट्रांसमीटर सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और रिसीवर सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने के बाद में जो भी डेटा उसने ट्रांसमिट किया, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, लेकिन रिसीवर के पास में ये फैसिलिटी नहीं है कि वो उसको रिट्रांसमिट कर सके। इसका हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपका टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है, जो भी चैनल आप देखते हो ट्रांसमीटर से वहाँ से ट्रांसमिट हो गया और आप अपने टीवी सेट पे उसको रिसीव करते हो, लेकिन आप अपने टीवी सेट से वापस से कोई सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसी तरीके से रेडियो पे देखिए, आप लोग रेडियो पे गाना सुनते हो या न्यूज़ सुनते हो, तो रेडियो सेट हमारा रिसीवर है। वहाँ से जो रेडियो का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, वहाँ से आपका रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो जाता है और हमारा रेडियो सेट उसको रिसीव करता है, और हमारा रेडियो सेट अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो ये दो बहुत अच्छे एग्जांपल है सिंप्लेक्स के, जो हमारे डेली लाइफ में हम उसको आसानी से देख सकते हैं। एक है टीवी सेट रिसीवर और दूसरा है रेडियो सेट रिसीवर। उसी तरीके से हम आजकल बहुत सारी जगह पे हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं नेटवर्क में, तो वाईफाई भी एक एग्जांपल है कि वाईफाई जो से जो भी सिग्नल रेडिएट हो रहा है हमारा मोबाइल या जो भी लैपटॉप है उसको हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे सिंप्लेक्स का, जो वाईफाई से हम लोग सिग्नल को रिसीव करते हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हमारे पास में, जैसे आप जानते हो कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, इसी तरीके से ये हमारे पास में आज हम हाफ डुप्लेक्स जो वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें हमारे पास में एक ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। जैसे हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही एंड पे, जो ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों के पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि दोनों ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और दोनों रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली वन वे प्रोसेस ही होता है। अगर एक बार में ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया और वो सिग्नल रिसीव करेगा रिसीवर, और उसी समय पे रिसीवर ट्रांसमिट नहीं कर सकता, और ये प्रोसेस होता है हाफ डुप्लेक्स में। तो हाफ डुप्लेक्स में सीधी सी बात हमारे पास में ये है कि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा उस इंस्टेंट पे, दूसरे इंस्टेंट पे रिसीवर ट्रांसमिट कर सकता है और ट्रांसमीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन एक इंस्टेंट में एक ही साइमल्टेनियसली दोनों ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, फिर दूसरा ट्रांसमिट करेगा, पहला रिसीव करेगा, ये प्रोसेस होता है हाफ डुप्लेक्स में। इसका एग्जांपल जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमें पुलिस ऑफिसर लोग जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक ने मैसेज दिया तो दूसरा उस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर दूसरा उस मैसेज सेंड करेगा और पहला उसको रिसीव करेगा। देखिए दोनों ट्रांसमिट मतलब दोनों ही एक समय पे दोनों एंड से ट्रांसमिट और रिसीव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी। अपना डेटा कम्युनिकेशन के संबंध में भी जो कल काम किया था उसी सेम किट पर अपन इस प्रोसेस को करेंगे, लेकिन इसमें डेटा ट्रांसमिशन होंगे और दो
कंप्यूटर इसके लिए ज़रूरत है, और एक ट्रेनिंग किट का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसका कनेक्शंस आपको बताया जा रहा है, आप ट्रेनिंग किट का तरफ देखें। अब आपके सामने ऑप्टिक डेटा कम्युनिकेशन ट्रेनर का किट है। इसमें दो कनेक्टिंग केबल यूज़ करेंगे, एक नॉर्मल कनेक्टिंग केबल जो कल यूज़ किया था वही है, ठीक है। इसके अलावा एक और केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में ज़्यादा जानकारी बाद में दिया जाएगा, लेकिन आप ये देख लीजिए, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये दो अलग टाइप का कम, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अपन इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग किट है इसलिए ये छोटा सा एक केबल है। पहले ट्रांसमीटर साइड में आपको कनेक्शंस करना है इस तरीके से, और रिसीविंग एंड में भी एक कनेक्शन लगाना है, नॉर्मल केबल है। इसके अलावा ऑप्टिकल केबल है आप डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक डेटा केबल है जो ट्रांसमीटर से जोड़ता है, जो पहला कंप्यूटर है। दूसरा डेटा केबल रिसीवर से जोड़ता है। अब आपके पास क्या हुआ, दो डेटा केबल, दो नॉर्मल कनेक्टर्स और एक ऑप्टिकल फाइबर। टोटल कनेक्शंस अपना कंप्लीट है। डेटा ट्रांसमिशन के बारे में हाफ ड्यूप्लेक्स या सेमी ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन के बारे में अब ज़्यादा जानकारी आपको श्री सुधीर दुबे जी देंगे। हार्डवेयर के सर्किट डायग्राम किस तरीके से ट्रेनर बोर्ड पे कनेक्ट किया इसके बारे में सबने बताया आपको। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा हाफ डुप्लेक्स वर्क करता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमको एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से हमारे पास में एक ट्रांसमीटर है, ये हमारा डेटा कम्युनिकेशन ट्रेनर बोर्ड है और ये रिसीवर है। इसमें जो हमारे ये वाला नोड है, ये ट्रांसमीटर काम करेगा, ये रिसीविंग का काम करेगा। अब हम एक्चुअल प्रोसेस कैसी होती है उस पर हम अब डिस्कस कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमने जो एक हमारा जो ट्रेनर बोर्ड है, इससे ही संबंधित एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल है। आफ्टर सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, अब हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, और उसके बाद में क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को सेलेक्ट किया। उसके बाद में सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमको एक कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है, और हमने जो ट्रांसमीटर पे जो केबल डेटा केबल लगाई है वो कॉम पोर्ट 2 पे लगाई है, इसलिए हमने कॉम पोर्ट 2 को सेलेक्ट किया और हमने ओपन पोर्ट किया। जैसे ही हम ओपन पोर्ट पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे पोर्ट सक्सेसफुली ओपन हो गया। जैसे ये पोर्ट सक्सेसफुली ओपन हो गया, दैट मीन्स अब हमारा ट्रांसमीटर तैयार है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। उसी तरीके से ये रिसीविंग साइड पे जब हम बात करते हैं, तो रिसीविंग साइड पे भी हमारे को यही प्रोसेस करना है। हमारे इसमें भी वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद में हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा केबल कनेक्ट है वो है हमारा कॉम पोर्ट 8 पर, तो हमने कॉम पोर्ट 8 को सेलेक्ट किया और ओपन पोर्ट किया, और ये हमारे पोर्ट सक्सेसफुली ओपन हो गया। दैट मीन्स अब ये जो नोड है ये रिसीव करने के लिए तैयार है। ये हमारे पास में इसमें आप देख सकते हो दो विंडोज़ दिख रही है, एक ट्रांसमिट डेटा विंडो है और एक रिसीव डेटा विंडो है। उसी तरीके से रिसीविंग साइड पे भी ट्रांसमिट डेटा विंडो और रिसीव डेटा विंडो है। अब हमने जो डेटा ट्रांसफ़र करना है, हमको यहाँ पे एंटर डेटा टू ट्रांसमिट में हम एंटर करेंगे। जैसे हमको डेटा ट्रांसफ़र करना है, हमने डाल लिया ए बी सी डी ई एफ, हमको ये डेटा हमको भेजना है, तो हमने यहाँ पे डेटा एंटर कर दिया और सेंड कर दिया। जैसे सेंड करते हैं, आप देखिए ट्रांसमिट डेटा में जो हमने डेटा ट्रांसफ़र किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो डेटा है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर आप देखो रिसीविंग एंड पे हमको रिसीव हो गया। ये ए बी सी डी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमको दिख गया, मिल गया। लेकिन
अब मैं अगर यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा ट्रांसफर किया, मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, तो ये यहाँ पे सेंड तो आ रहा है लेकिन उस समय पे यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। तो डेट मीन्स हाफ वे, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में हमारा डेटा जा रहा है एक टाइम पर। तो इसी तरीके से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा हाफ डुप्लेक्स इस तरीके से आपका वर्क करता है कि एक बार में एक तरफ एक डायरेक्शन में डेटा जाता है, दूसरे डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफर भी करें तो नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक हमारा ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, तो डेटा ट्रांसमीटर ने डेटा ट्रांसफ़र किया, रिसीवर ने रिसीव किया और उसी इंस्टेंट पे रिसीवर ने ट्रांसमिट करने के उसके बाद में मौका नहीं था या ये ट्रांसमिट नहीं कर सका। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा हाफ डुप्लेक्स वेरीफाई होता है।